And then he started exploring different fields and thought that travel is something that makes sense for him. His topic will be how to create a brand for yourself on Instagram, Facebook, and YouTube. So for all the people who are looking to get more followers, how to create a brand for yourself, Satyam will be shedding light on how you can do that. So Satyam, Agarwal. आप ट्रैवल कैसे शुरू कर सकते हो एंड लाइक बजट का इशू है जो भी इशू है सो माय टुडेज टॉपिक इज हाउ टू ब्रांड योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब सो इफ यू आर हेयर कि भाई अपना करियर कैसे बना सकते हैं कि भाई यूट्यूब पे वीडियो पर डाल दी वो कर दिया तो अगर आप सिर्फ पैसों के लिए ट्रैवल कर रहे हो या वीडियो बना रहे हो या इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हो तो मत करो बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप दिल से नहीं करोगे तो चार दिन में आप छोड़ दोगे क्योंकि पैसा इतनी जल्दी नहीं आएगा एंड सेकेंडली अगर आप उस चीज़ के लिए कर रहे हो कि आपको फेमस होना है कि हाँ भाई दो फोटो डाली वायरल होगी वो भी नहीं होने वाला सो आई एम हेयर टू टॉक अबाउट क्या ब्रांडिंग होती क्या है और कैसे करते हैं ब्रांडिंग सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू गाइस कि वॉट डू यू हैव एन आइडिया अबाउट ब्रांडिंग एनी वन प्लीज ब्रांडिंग होती क्या है व्हाट्स योर नेम प्रेरित या To make an identity. Identity, right? So what brand, a company's t-shirt are you wearing right now? It's Tommy Hilfiger. So is it branded or not branded? Why? Because you... Yeah, please. I bought it from a store, that's why. Okay, because you... I guess okay, you mean why it's a... Why brand? Do you consider it okay, as a brand? Because it's well recognized. Right. Its quality is good. Right. And it's recognized by all the... Exactly. So, because आपको हर जगह Facebook पे या आपको offline marketing का कुछ पता है कि भाई ये shop है, ये अच्छा quality देता है. So, there are two things. कि one is your brand value, कि आपका brand का name है. Brand ये बाहर पकौड़ा बेहतर वो भी company है. अब उसका brand आपको नहीं पता. Because वो branded नहीं है. तो दो चीज़ें होती हैं कि आपका जो इंस्टाग्राम हैंडल है या फेसबुक पर पेज है या यूट्यूब पे पेज है दैट इज़ योर ब्रांड दैट इज़ द कंपनीज नेम और जो आपका क्लोज का क्वालिटी है जैसे उन्होंने बताया क्लोज का क्वालिटी जो कंटेंट है वो आपका कंटेंट है सो देयर आर टू थिंग्स योर ब्रांड और उसके अंदर आप बेच कर रहे हो आप लोगों को प्रोवाइड वैल्यू क्या प्रोवाइड कर रहे हो सो दैट्स अबाउट इट सो उसके बाद ये है कि अब हुआ क्या कि भाई आपने आई विल टेक अ मेटाफोर ऑफ अ शॉप एंड अ क्लोथ शॉप सो यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट ब्रांडिंग सो हुआ क्या कि आपने शॉप खोल दी अब उसके बाद में कपड़े भी बड़े बहुत अच्छे कपड़े आपने इम्पोर्ट करे बहुत बढ़िया बट कोई खरीद नहीं रहा क्यों क्योंकि आपका मार्केटिंग ही नहीं है किसी को पता ही नहीं आपका क्या ब्रांड है क्यों है तो दो चीज़ें इसमें योर कंटेंट इज द किंग योर क्लोथ क्वालिटी इज द किंग बट योर मार्केटिंग इज द क्वीन दोनों के बिना कुछ एम्पायर तो कुछ चलने वाला है नहीं तो दोनों आपको चीज़ें आनी चाहिए कि आपका क्वालिटी अच्छा हो और मार्केटिंग अच्छा हो ये हुआ कि आपने मार्केटिंग कर दी बंदा कपड़ा खरीदने आया उसको पसंद ही नहीं आया तो वो आपका कंटेंट नहीं देगा कोई भी ऐसे राइट सो दैट्स अबाउट इट आई विल मेक इट शॉर्ट बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू अ क्यू एंड ए बिकॉज मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे दूंगा ब्रांडिंग का उसका आपके पास जो भी क्वेश्चन आएगी दिमाग में यू कैन आस्क मी राइट ओके सो देर आर थ्री वेज कि आप ब्रांड कैसे कर सकते हो ऑनलाइन होता है ऑनलाइन में आपका ऑर्गेनिकली होता है ऑर्गेनिकली मीन्स कि आपने एक फेसबुक पेज बना दिया और लोग खुद आ रहे हैं खुद लाइक कर रहे हैं खुद आपका परचेज कर रहे हैं खुद सब कुछ कर रहे हैं दूसरा होता है पेड विच इज़ योर फेसबुक एड्स और गूगल एड्स तो अब उसके अंदर आपने एड्स डाल दिए थर्ड इज़ वर्ड ऑफ माउथ ये है कि भाई मैं अपने दोस्त का बैठा हूँ उसने कहा यार मुझे ना ये चीज़ खरीदनी है मुझे बताओ मैंने कहा ये तो वर्ड ऑफ माउथ से बोलेगा क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट कर पाएगा कि हाँ यार इसने बताया ही इज़ अ ट्रस्टेड गाय आई नो हिम सो व्हाट आई फील इज कि वर्ड ऑफ माउथ इज़ द बेस्ट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर आपका वर्ड ऑफ माउथ अच्छा है तो सब बढ़िया रहेगा आपका क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ इज़ फ्रॉम द एक्सपीरियंस
कि आपने वो यूज कर रहा कपड़ा पहना है, उन्होंने कहा मैंने ये पहनी है, तो ही सेइंग अच्छा क्वालिटी है, तो आई विल ऑल्सो परचेज इट फ्रॉम यू, राइट? सो माई पॉइंट इज कि ब्रांडिंग इज समथिंग जो आप कंटेंट अच्छा डालो, लोगों को वैल्यू दो, बस लोगों को वैल्यू चाहिए, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें, तीन आपके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, फेसबुक पर होता है आपका, इंस्टाग्राम पे होता है और आपका यूट्यूब पे होता है। तो फेसबुक की जो एल्गोरिथम्स होती हैं कि आपने जो पोस्ट करा है दे आर शिट, बिकॉज वो क्या चाहते हैं कि आप उनके एड्स में इन्वेस्ट करो पैसा और तभी वो एंगेजमेंट देंगे। इट डजेंट मैटर कि आपके इंस्टाग्राम पे 1000 फॉलोअर है कि 10,000 फॉलोअर हैं, आपकी एक पोस्ट पे कितने लाइक्स आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, एंगेजमेंट कितनी है, दैट रियली मैटर्स। सो डोंट यू नो रन टूवर्ड्स कि भाई आपका सब्सक्राइबर बढ़ जाए यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे फॉलोअर बढ़ जाए, आपने पेड ले लिए, दैट वॉन्ट हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। सो यू नीड टू ब्रांड इट फ्रॉम द कोर, फ्रॉम योर हार्ट कि भाई मैंने करना है, ये पैसा आए ना आए वो देखी जाएगी, करना है। तो फेसबुक में ये है सेकेंडली, बट वही है कि आपको पैसा लगाना पड़ेगा अगर फेसबुक आपने पॉपुलर होना है, क्यों कुछ चारेगी हमारे पास। सेकेंडली यूट्यूब, अब यूट्यूब में क्या है कि यूट्यूब के एल्गोरिथम ये है कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है और या आपके 10,000 शायद से घंटे का व्यूअरशिप नहीं है, तो यू कांट मोनेटाइज योर वीडियोज। सो इट्स लाइक बहुत ही बड़ी चीज़ है, 1,000 सब्सक्राइबर लाना आसान नहीं है शुरुआत में। वही है कि अगर आप YouTube पे पैसे ले जा रहे हो तो मत जाओ, कोई फायदा 4 दिन में छोड़ दोगे, वो मेहनत भी बेकार तब बेकार। थर्डली आप पे Instagram क्या कर रहा है कि वो आपके कंटेंट जो अच्छा कंटेंट है वो आपको एक्सप्लोर पेज होता है Instagram में, आपने देखा होगा, अगर आप एक्सप्लोर पेज पर आ गए तो मतलब कि आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ रहा है वहाँ पे, क्योंकि आपका कंटेंट अच्छा है तो Instagram पुश करेगा उसको और पूरा वर्ल्ड वाइड जाता है वो चीज़। तो यू हैशटैग, यू यूज, यू टैग पीपल हु रीपोस्ट योर पोस्ट ऑन Instagram। सो अच्छा, फर्स्टली आई वुड लाइक टू नो कि यहाँ पे इंस्टाग्राम पे, सॉरी यहाँ पे इंस्टाग्राम पे कौन किस किस का अकाउंट है, प्लीज़ किस किस ने कम से कम एक तो पोस्ट डाली हुई है। तो यू ऑल आर कॉन्टेंट क्रिएटर्स, राइट? अब आपको उसमें नीच ढूंढना अपना, कि आपका ट्रैवल में है तो ट्रैवल ही, इट्स नॉट अबाउट जस्ट ट्रैवल ब्रांडिंग, इट्स अबाउट ओवरऑल ब्रांडिंग ऑन सोशल मीडिया। तो अगर आपका इंटरेस्ट है कि फैशन में है या ट्रैवल में है, कहीं पर भी है, वो नीच ढूंढ के provide value to your customer, provide value to your followers, so that's what your motive should be। So Instagram पे आपका Instagram में बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि Facebook मेरे को down लगता है, Instagram पे बहुत अच्छे engagement आने लग गई है क्योंकि उनके algorithms change हो गई हैं, they are just pushing good content upwards। So that's about it, that's all from my side। If you have any questions regarding anything, any strategy that you would like to know to promote yourself, to market yourself, please let me know. I have time up to 5 minutes.